कपूर फिटनेस जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिम खुलने का इंतजार तो हम सभी लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, पर आने वाला समय भूतकाल से कुछ अलग ही मालूम पड़ता है। अब यदि आपको जिम के अंदर प्रवेश करना है तो कुछ बातों को ध्यान में रख के ही प्रवेश करना होगा। आइए जानते हैं क्या करना होगा। नंबर एक पर आता है मास्क। अब आपको बाहरी दुनिया की तरह जिम की चार दीवारी के अंदर वर्कआउट के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों को मास्क पहनने में समस्या होती है, सांस नहीं आती, उन लोगों के लिए यही सुझाव रहेगा कि वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नंबर दो पर है ग्लव्स। जी हाँ, अब आपको जिम के अंदर ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। नंबर तीन पर आता है स्लॉट बुकिंग। अब आप पहले के जैसे अपने मनचाहे समय पर नहीं जा सकेंगे। अब यदि आपको वर्कआउट करना है तो स्लॉट बुक करा के ही जाना होगा, एक नियमित समय पर। नंबर चार पर है पंक्चुअलिटी। सूत्रों के अनुसार हर वर्कआउट सेशन के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है, जो कि हो सकता है 45 मिनट से 60 मिनट तक का ही। अब यदि आपको अपने मनचाहे समय तक जिम के अंदर रुकना है तो वो निषिद्ध है। अब आपको अपना वर्कआउट एक घंटे तक खत्म करके वापस घर जाना होगा। नंबर पांच पर है सोशल डिस्टेंसिंग। अब बाहरी दुनिया की तरह जिम की चार दीवारी के अंदर वर्कआउट के दौरान भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर एक व्यक्ति को 6 फीट की दूरी निर्धारित कर दी गई है। अगले नंबर पर आता है जिम बैग। दोस्तों, आज के समय को देखते हुए हमारा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप जिम बैग ले जाना बिल्कुल ना भूलें। जिम बैग के अंदर अपनी एक टी शर्ट, टॉवल, अपने जिम के जूते, एक गर्म पानी की बोतल और साथ ही साथ विटामिन सी की टैबलेट्स कैरी करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जानते हैं कि आज के समय में सैनिटाइजर का उपयोग कितना ज़रूरी हो गया है, तो कोशिश करें कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के पॉकेट सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई एक लेके जाएं। यदि आप वर्कआउट के दौरान या अंत में स्ट्रेचिंग करते हैं या फ्लोरल वर्कआउट परफॉर्म करना हो तो अपनी मैट कैरी करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, आपको कोल्ड कफ या फ्लू जैसे लक्षण सामने आ रहे हो, या आपका शरीर आपको बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी ना दे रहा हो, तो कोशिश करें कि आप घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, घर में ही रहें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को संपर्क करें। अगले नंबर पर आता है से नो टू हैंडशेक। जी हाँ, आज के दौर में हाथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी किसी के संपर्क में आने से फैलती है। तो अब यदि आप जिम के अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले की तरह अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिला सकेंगे। अगले नंबर पर आता है वाटर कूलर। जी हाँ, आप अपनी बोतल खुद ही कैरी कीजिए और वाटर कूलर का पानी अवॉइड करिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी गाइडलाइंस इश्यू करी है हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे जिम सुपरवाइजर्स एंड अथॉरिटी ने, आप उन सभी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।